मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम इवान और वाइफ का नाम केरन है। ये दोनों अपने बच्चों के साथ बड़ी खुशी से रह रहे थे। केरन एक आर्ट गैलरी में काम करती थी और वही इवान एक आर्किटेक्ट था। एक दिन इवान और केरन अपने बच्चों के साथ बीच ट्रिप पे घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इवान को कुछ आर्किटेक्ट का अर्जेंट काम आने की वजह से बाहर बाहर नहीं जा पाता, इसलिए केरन को अकेले ही अपने बच्चों के साथ जाना पड़ता है और इवान अपने डॉग के साथ घर पर ही रह जाता है। रात को जब इवान अपना काम कर रहा था तब उसे घर की डोरबेल सुनाई देती है। जब वो घर का दरवाजा खोलता है तो उसे घर के बाहर दो लड़कियां बारिश में भीगी हुई नजर आती है, जिसमें से एक का नाम बेल और दूसरी का नाम जेनेसिस था। वह इवान को बताती है कि हम लोग एक पार्टी में जा रहे थे लेकिन रास्ता भटक गए हैं और बारिश की वजह से हमारे फ़ोन भी भीग कर बंद हो चुके हैं। उनकी बातें सुनकर इवान उनकी मदद करने के लिए उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहता है। वो उन्हें टावल्स देता है और एक लड़की को अपना आईपैड भी देता है जिससे वह पता लगा सके कि उसकी पार्टी कहाँ हो रही है। वह लड़की आईपैड पे सर्च करके देखती है कि उसकी पार्टी की लोकेशन यहाँ से काफ़ी दूर है, इसलिए इवान उनके लिए कैब बुक कर देता है जो कि 45 मिनट में वहाँ पहुँचने वाली थी। अब क्योंकि लड़कियाँ बारिश की वजह से बहुत भीग चुकी थी, इसलिए वह इवान के घर का बाथरूम यूज़ करके फ्रेश होकर इवान के पास जाती है। इवान उनके लिए कॉफ़ी बना रहा था। इसके बाद इवान उनके साथ बैठकर बातें करने लगता है। इवान उनसे पूछता है कि वह दोनों क्या काम करती है। वह लड़की उसे बताती है कि वह एयर होस्टेस है और अपने यात्रियों का बहुत ध्यान रखती है। वह इवान के पास जाके अपने एयर होस्टेस का काम दिखाने लगती है कि वह कैसे काम करती है, लेकिन ऐसा करते हुए वह इवान को सेड्यूस करने लगती है जिससे इवान को कुछ अच्छा फील नहीं होता और वह उठकर दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। वह अपने फ़ोन पर चेक करता है कि कैब के यहाँ आने पर अभी भी 20 मिनट बाकी है। इसके बाद वह लड़की इवान से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। इवान उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ एक आर्ट गैलरी के लिए पैनकेक्स बनाती है। बातें करते करते वह दोनों लड़कियाँ इवान के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाती है। इवान उन्हें इग्नोर करने की बार बार कोशिश करता है। वह एक बार और अपना फ़ोन चेक करता है और वह देखता है कि अब कैब के आने में से 5 मिनट रह गए हैं और वह थोड़ा सा रिलैक्स करता है क्योंकि उसे उन लड़कियों का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वही वेल और जेनेसिस कैब के आने के 2 मिनट पहले ही बाथरूम में चली जाती है। तभी इवान जल्दी से उनके कपड़े सुखाकर बाथरूम में उनके पास जाता है। वह कहता है तुम्हारे कपड़े सूख चुके हैं और बाहर तुम्हारे लिए कैब भी आ चुकी है, लेकिन वह लड़कियाँ मजे से नहा रही होती है और इवान की बातों को इग्नोर कर रही होती है। इवान के बार बार कहने पर भी वह दोनों बाहर नहीं आती, तो इवान अपनी आंखें बंद करके उन्हें बाथरूम के अंदर कपड़े देने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि दोनों लड़के न्यूड होकर नहा रही है। वो इवान को कहती है कि तुम भी हमें ज्वाइन करो। इतना कहकर वो दोनों लड़के इवान से चिपकने लगती है, लेकिन इवान ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वह एक शादीशुदा इंसान था, इसलिए वह उन्हें इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब वो दोनों इवान के कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने लगती है तो इवान भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता और उनके साथ बाथरूम में इंटीमेट होने के बाद वह बैकग्राउंड में उनके साथ इंटीमेट होने लगता है। वही कैब का ड्राइवर भी कुछ देर इंतजार करने के बाद वहाँ से चला जाता है। सुबह जब इवान नींद से जागता है तो वहाँ उन दोनों लड़कियों को ना पाकर वो सोचता है कि वह दोनों लड़कियाँ जा चुकी है, लेकिन तभी उनकी किचन से हंसने की आवाज़ आती है। इवान किचन में जाते ही देखता है कि वो दोनों लड़कियों ने किचन का काफ़ी बुरा हाल कर दिया है। तभी इवान को केरन का वीडियो कॉल आता है और वो उससे बात करने के लिए घर से बाहर चला जाता है। अपनी वाइफ से बात करने के बाद वो घर के अंदर चला जाता है और गुस्से में उन लड़कियों से कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े पहनो और मेरे घर से दफा हो जाओ। लेकिन कुछ टाइम बाद वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां उसकी वाइफ की आंख खराब कर रही थी, जिसे इवान पूरे गुस्से में कहता है कि अब मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ और अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है तो तुरंत यहाँ से चली जाओ। उसकी बातें सुनकर बेल और जेनेसिस हंसने लगती है। वो कहती है कि हम दोनों अंगरेज है और कल रात तुम हमारे साथ सोए हो जो कि एक कानूनी जुर्म है, और अगर तुम पुलिस को बुलाओगे तो उल्टा पुलिस तुम्हें ही पकड़ के जेल में डाल देगी। उनकी बातें सुनकर इवान को एहसास होता है कि उन लड़कियों की मदद कर उन्हें कितनी बड़ी गलती कर दी है। तभी दरवाजे पे कोई बेल बजाता है। दरवाजा खोलने पर इवान को केरन की दोस्त विवेन नजर आती है जो कि उसे यहाँ पूछने आई थी कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन इवान उसे देखकर काफी डर जाता है कि कहीं वो घर पर बेल और जेनेसिस को ना देख ले। उनकी बातचीत चली रही थी कि अचानक जेनेसिस बाहर आकर इवान से चिपकने लगती है। यहाँ देख के विवेन को लगता है कि इवान का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और वो इवान को गुस्से में गाली देकर वहाँ से चली जाती है। इवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो सच में पुलिस को फोन लगाने लगता है, जिससे बेल और जेनेसिस डर जाती है और तुरंत वहाँ से जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद इवान उन्हें अपनी कार में बिठा कर ले जाता है और कुछ दूर जाकर उन्हें घर के सामने ले जाकर छोड़ देता है। इवान वापस अपने घर आता है जहाँ वो देखता है कि बेल और जेनेसिस ने उसके घर की काफी बुरी हालत कर दी है, इसलिए वो सबसे पहले अपने घर की सफाई करता है और फिर काम करने के लिए बैठ जाता है। तभी उसे घर में कुछ गिरने की आवाज आती है। वो देखता है कि उसकी फैमिली फोटो नीचे गिरी है। वो जैसे ही फोटो उठाने के लिए नीचे झुकता है, पीछे से जेनेसिस उसके सर पर बार करके उसे बेहोश कर देती है। कुछ देर के बाद जब इवान को होश आता है तो वो खुद को एक बेड पर रस्सियों से बंधा पाता है। वो जेनेसिस को चिल्लाकर कहता है कि उसकी रस्सियां खोले, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। तभी बेल उसकी बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर वह आती है और वो दोनों मिलकर इवान के कपड़े उतारने लगती है।
सकते। और उसी समय इवान के फोन पर उसकी वाइफ का वीडियो कॉल आता है, तो जेनेसिस उससे कहती है अगर तुम बेल के साथ इंटीमेट नहीं हुए तो वो उसकी वाइफ को बता देगी कि इवान उन लड़कियों के साथ यहाँ मजा कर रहा है। जिसके बाद इवान उनकी बात मान जाता है और बेल उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और जेनेसिस उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब जेनेसिस कुछ खाने के लिए बाहर जाती है तब इवान बेल से इंटीमेट होते समय अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खोल देता है और बेल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो जेनेसिस के पास जाता है जो कि कुछ खा रही थी। जेनेसिस उसके इंजर्ड शोल्डर पे जोर से अटैक करके उसे वापस बेहोश कर देती है। फिर इवान को होश आता है तो वो खुद को एक चेयर पर बंधा पाता है और जेनेसिस और बेल उसके साथ एक क्विज गेम खेलने लगते हैं। कुछ समय बाद केरन के साथ काम करने वाला उसका एक दोस्त जिसका नाम लुइस था वो उसके घर पर उसकी बनाई हुई मूर्तियां लेने आता है। ये देख जेनेसिस और बेल इवान को एक कमरे में छुपा देती है और जेनेसिस दरवाजा खोलती है। फिर ये दोनों लुइस को बताती है कि वो दोनों इवान की कजन से और घर में एक चोर घुस गया था तो इवान उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गया है। तभी लुइस की नजर केरन के आर्ट्स पे पड़ती है जिनका इन दोनों लड़कियों ने बुरा हाल कर दिया था। लुइस को उन पे शक होता है और साथ ही वो उनसे कहता है कि इवान की तो कोई कजन सी नहीं है। यहाँ पर अचानक से लुइस को इवान की भी चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। वह रूम में जाके देखता है इवान वहाँ बंधा पड़ा है। वो इवान की रस्सियां खोलने लगता है। वही बाहर ये दोनों केरन के आर्ट्स को तोड़ने लगती है जो कि बहुत महंगी थी। इससे लुइस उनके पास आकर उन्हें ऐसा करने से रोकता है लेकिन तभी उसे अस्थमा का अटैक आता है और लुइस का इन्हेलर भी जेनेसिस के पास था तो वो उसे अपना इन्हेलर लेने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़खड़ाकर केरन की आंख पर गिर पड़ता है जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लुइस की मौत देख जेनेसिस और बेल हंसने लगती है जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो। इस तरह उन्हें हंसता देख इवान को समझ आ जाता है ये दोनों लड़कियां साइको है। जिसके बाद जेनेसिस और बेल लुइस की बॉडी को कवर करके उसकी गाड़ी पर रखाती है और वापस आकर इवान और लुइस के फोन से मैसेज कर ऐसा शो करने की कोशिश करती है जिससे केरन और लुइस का अफेयर चल रहा था। और जैसे ही इवान को इस बात का पता चला उन्हें गुस्से में आकर लुइस का मर्डर कर दिया। इसके बाद वो दोनों घर के गार्डन पे इवान को दफनाने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदती है। वही घर पे कुर्सी में बंधा इवान किसी तरह अपनी वाइफ को आईपैड से कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन तभी जेनेसिस बेल आकर उसे आईपैड छीन लेती है और उसे पे बहुत गुस्सा करती है जिससे दोनों इवान के घर को पूरी तरह से खराब कर देती है और इवान के बाल काट कर उन्हें छोटा कर देती है। उसी रूम में जेनेसिस को इवान की छुपाई हुई गन मिलती है और वो बेल को इवान के हाथ पैर खोलने के लिए कहती है और वो इवान से कहती है कि अब हम दोनों तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलेंगे और अगर वो पकड़ा गया तो उसे शूट करके मार दिया जाएगा। इवान तुरंत घर में छुपने लगता है और जेनेसिस और बेल उसे ढूंढने लगते हैं। तभी इवान घर से भागने के लिए घर के बाहर जाने लगता है लेकिन जेनेसिस उसके पास जाकर उसे ढूंढ लेती है। तभी इवान जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करने लगता है लेकिन जेनेसिस उसे गन पॉइंट पे चुप करा देती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं ये दोनों इवान को उस गड्ढे के पास ले जाकर उसे गड्ढे में दफना देते हैं लेकिन वो इवान के सर को जमीन के बाहर ही रखते हैं और ये इवान को बताती है कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, हम तो बस अपने मजे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे और तुम्हें टॉर्चर करने में हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। इसके बाद बेल इवान के फोन पे उसको वही वीडियो दिखाती है जिसमें वो इवान की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी और ये वीडियो जेनेसिस ने रिकॉर्ड किया था। अब बेल इस वीडियो को इवान के फेसबुक प्रोफाइल में अपलोड करके उस पर लिखती है हैप्पी फादर्स डे ताकि सबको ये लगे कि ये वीडियो खुद इवान ने अपलोड किया है। वो दोनों इवान से कहती है कि अब हमें एक नया शिकार ढूंढने जाना है और वो वहाँ से चली जाती है। वही इवान काफ़ी मुश्किल से अपना हाथ बाहर निकाल कर उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से उससे डिलीट की जगह लाइक प्रेस हो जाता है। कुछ घंटों बाद केरन अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है और उसे घर की हालत देखकर कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि उसके जाने के बाद इवान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पर खूब पार्टी की है और इसी के साथ यह मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी में हमें यह नहीं दिखाया जाता कि इवान के साथ क्या हुआ, वो बचा है या नहीं। बाकी आप इसी तरह की मूवी एक्सप्लेन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।